हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 का गणित का वार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 3/5 की तुल्य भिन्न, 3/5 की तुल्य भिन्न 9/15 हो जाएगी। रेखाखंड में अंत बिंदु होते हैं, कितने अंत बिंदु होते हैं? तो दो अंत बिंदु होते हैं। 1 किलोग्राम का 75% 750 निकलेगा, कितना निकलेगा? 750। और 2 डिग्री गुणे 3 डिग्री, इसका मान आएगा हमारा 1 आएगा, कितना आएगा? 1। भारतीय गणित आर्यभट्ट का जन्म स्थान पटना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पटना। अगला देख लेंगे, ये रिक्त स्थान है। 3 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, 1 ऋणात्मक पूर्णांक होता है, सबसे बड़े एवं सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर परिसर कहलाता है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। 1 या अधिक पदों से बना व्यंजक बहुपद कहलाता है। संख्या 1, 2, 3 में विनुकुलम क्या हो जाएगा? विनुकुलम इसका बताना। ये सत्य सत्य हमारे देख लेंगे, ये सभी सत्य सत्य दिए गए हैं। यहाँ जब प्रश्न दिए गए हैं, ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए जिसमें जिसका योग -7 हो। मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है इसको, मिश्रित भिन्न के, तो 7 दूनी कितना आ जाएगा? 9/4 गुणे 7, 7, 7 9 63, 63/4 आएगा। फिर 4 में 63 का हम भाग कर देंगे, फिर मिश्र भिन्न में से लिख देंगे। दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, ये दशमलव भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है, इसमें गुणा करना है, इसे आरोही क्रम में लिखना है। 1 वर्गाकार पार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका परिमाप 320 मीटर है। व्यंजकों को एकपदी, द्विपद और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत करना है, इसको हल करना है। 2x² + 3xy प्राप्त करने के लिए x² + xy + y² में क्या जोड़ना चाहिए, इसे सरल करना है। निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना है, इसको मानक रूप में प्रतिशत में बदलना है, इनको प्रतिशत में बदलना है। ये 18वां दिया गया है, त्रिभुज की सर्वांग समता के प्रतिबंध लिखना है। ये हमारा 19वां प्रश्न है, एक्स वाई और जेड के मान निकालना है। 20वां क्वेश्चन देख लेंगे, ये हमारा 21वां है, परिसर निकालना है, माध्य निकालना है, सबसे अधिक और सबसे कम अंक क्या है ये निकालना है। ये 22वां है और ये लास्ट हमारा 23वां क्वेश्चन दिया गया है।